वेलकम एवरीवन। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, एल्काइलेशन। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, अब हमें समझना है कि अमाइंस का जब हम एल्काइलेशन करते हैं तो उसमें होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एल्काइल वर्ड पे फोकस करो, ठीक। किसी भी मॉलिक्यूल में एक एटम को सब्स्टिट्यूट करना बाय एन एल्काइल ग्रुप, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक एटम सब्स्टिट्यूट हो जाए, हट जाए, और उसके जगह अगर तुम एल्काइल ग्रुप को ऐड कर रहे हो। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप इनटू अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एल्काइलेशन। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन, सिर्फ इसका डेफिनेशन समझा रही हूँ, कैसे होता है ये मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप इनटू अ मॉलिक्यूल इसी को क्या बोलते हैं, इज नोन एज एल्काइलेशन, ठीक है। अब हमने ये डेफिनेशन तो समझ लिया, अब होता कैसे ये समझो। देखो, मान लो हम यहाँ पे अमाइन कोई लेते हैं, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, CH3, CH2, NH2, तो ये मैंने क्या लिया है, ये 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन लिया, यहाँ पे मैं अमाइन का रिएक्शन जो है ना एल्काइल हेलाइड के साथ करूंगी, ठीक है। तो मान लो एल्काइल हेलाइड यहाँ पे मैंने कौन सा ले लिया, इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, CH3, CH2, Br, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा ये तुम्हें समझना है। देखो क्या होता है, तुम्हें पता है कि एल्काइल हेलाइड क्या होते हैं, पोलर होते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ब्रोमीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब क्योंकि इसके ऊपर डेफिशिएंसी है और यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिसके ऊपर पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर क्या करता है, इसको डोनेट करता है। जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, समझो इस चीज को, CH3, CH2, NH, एक एच में नीचे बना दे रही हूँ और साथ में क्या हो जाएगा, ये ग्रुप लग जाएगा, ठीक है, CH2, CH3, ठीक है, ये ग्रुप तुमने लगा दिया। अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। अब नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि प्लस चार्ज है तो ये अपने प्लस चार्ज को कैसे हटाएगा, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। तो आउट ऑफ द 2 हाइड्रोजन क्या होगा, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के खुद क्या होगा, मीडियम में क्या Br- भी प्रेजेंट है, Br- के साथ H+ जुड़ के HBr यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बन गया, CH3, CH2, NH, CH2, CH3। तो देखो, अब जो मैंने डेफिनेशन बताया था उस चीज पे फोकस करो, ठीक। मैंने क्या बताया था डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप इनटू अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में। अब हमने क्या लिया था, 1 डिग्री अमाइन लिया, इसमें हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया और उसके जगह पे ये एल्काइल ग्रुप CH3, CH2 ये ऐड कर दिया, इसी को तो क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। समझ आया, इधर सीधा डायरेक्ट याद रखना है ना, तो क्या करो, एक हाइड्रोजन निकाल दो और एक हैलोजन निकाल दो, दैट इज हमने क्या किया, HBr को निकाल दिया और HBr, एक ब्रोमीन निकलेगा यहाँ से और एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो उसके जगह पे जहां से हाइड्रोजन हटता है वहां पे क्या किया हमने, एक एल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। समझ आ रहा है, समझो इस बात को। अब देखो क्या है, ये हमने क्या लिया था, इथाइल अमाइन। अब अगर तुम इस पे देखो और जो प्रोडक्ट बना है उस पे ध्यान दो, तो तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये 1 डिग्री अमाइन था, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट बना है आफ्टर रिएक्शन विद एल्काइल हेलाइड, जो प्रोडक्ट बना है उसमें अब नाइट्रोजन के साथ 2-2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है। तो दूसरा एल्काइल ग्रुप कैसे आ गया है, हमने दूसरे एल्काइल ग्रुप को इसके साथ जोड़ा है ना, तभी तो आया है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। और अगर तुम ध्यान दो तो मैंने बताया था कि जब नाइट्रोजन से 2-2 एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे तो ये क्या होता है, 2 डिग्री अमाइन होता है, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा 1 डिग्री अमाइन किस में कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री अमाइन में, ठीक है। एक बात तुम्हें और समझनी है कि ये जो एल्काइलेशन का प्रोसेस होता है ना, ये किसको फॉलो करता है, इट फॉलोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रोमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल जो प्रेजेंट है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है और उसके साथ ये वाला ग्रुप लग गया है पूरा का पूरा। देखो ना, ब्रोमीन जो CH3CH2 के साथ पहले ब्रोमीन लगा था, तो ब्रोमीन अब हट के ये वाला ग्रुप इसके साथ जुड़ जा रहा है ना, तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हें बात समझ आ गई। अब देखो क्या होगा, फिर से अगर हम इसको जो 2-डिग्री अमाइन बना है, अगर फिर से उसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं, अल्काइल हैलाइड के साथ। यही अल्काइल हैलाइड फिर से ले लो, CH3CH2Br, तो फिर से वही होगा सेम एज इट इज। क्या बताया था मैंने, ये ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो अब नाइट्रोजन के साथ CH3CH2 वाले तीन तीन ग्रुप जुड़ गए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा बनेगा, CH3CH2 यहाँ पे ये भी जुड़ जाएगा इन बाकी दो के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CH2 को मैं होल थ्राइस लिख सकती हूँ, फिर क्या हो जाएगा NH+। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। अभी मैंने तुम लोग को बताया कि अब ये प्लस चार्ज कैसे हटेगा, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। तो ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के क्या होगा, Br- के साथ निकल जाएगा HBr के फॉर्म में, और अब हमारे पास क्या बन गया, N के साथ क्या होगा, तीन तीन इथाइल जुड़ा हुआ है, CH2CH3, ये क्या हो जाएगा CH2CH3, और ये क्या हो गया CH3CH2। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास उसका लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो ये जो बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3-डिग्री अमाइन। ठीक है, ये क्या बन गया है, 3-डिग्री अमाइन। मतलब हमने शुरुआत की थी किससे, 1-डिग्री अमाइन से, पहुंच गए हम किस पे, 3-डिग्री अमाइन। ठीक है, और अब अगर एक और बार हमारा जो ये भी प्रोडक्ट बना है इसको अगर फिर से किसके साथ ट्रीट कर दे, वही अल्काइल हैलाइड के साथ, CH3CH2Br के साथ अगर फिर से रिएक्ट करेगा, तो अब हमारे पास क्वॉटनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, क्वॉटनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH2 एक और ग्रुप जुड़ गया, मतलब एक और ये इथाइल ग्रुप अब इससे जुड़ जाएगा ना, तो अब ये चार चार हो जाएंगे, N+Br-, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वॉटनरी अमोनियम सॉल्ट, और इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब तुम्हें एल्काइलेशन में कुछ बातें याद रखनी है, वो ये है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एल्काइल ग्रुप को किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड करते हैं। ठीक है, ये बात तुम समझ गए। अब तुम्हें सेकेंड पॉइंट ये याद रखना है, मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है, तो देखो सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पे हम लेते क्या है, अमाइन लेंगे, उसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये जो रिएक्शन होता है ये किसको फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये मैंने सेकंड लाइन बताई। सेकंड लाइन के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 1-डिग्री अमाइन भी अल्काइलेशन कर रहा है, 2-डिग्री अमाइन भी अल्काइलेशन करता है, 3-डिग्री अमाइन भी अल्काइलेशन कर रहा है, मतलब वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो क्या बोलोगे, ऑल कैटेगरी ऑफ अमाइन अंडर गो अल्काइलेशन थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्काइल हैलाइड। कहने का क्या मतलब है कि अमाइन, तीनों डिग्री ऑफ अमाइन जो होते हैं वो अल्काइलेशन करते हैं किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल कैटेगरी का मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि 1 डिग्री भी अल्काइलेशन करता है, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी, तो ऑल कैटेगरी ऑफ अमाइन अंडरगो एल्काइलेशन थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये था सेकेंड पॉइंट। तो देखो अब तुमने ये समझ लिया कि जो अमाइन होता है, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, अल्काइलेशन करते हैं। ठीक है, अब तुम्हें एक बात और समझनी है। देखो तुमने यहाँ पे क्या किया था, तुमने सफर शुरू किया था 1 डिग्री से, तुम पहुँच कहाँ गए, क्वॉटनरी अमोनियम सॉल्ट तक। ठीक है, मतलब शुरुआत की थी 1-डिग्री अमाइन से, पहुँच गए 4-डिग्री अमाइन तक। ठीक है, तो ये कब होता है कि कब, वो कंडीशन भी तो पता होना चाहिए कि कब तुम 1 डिग्री से क्वॉटनरी तक पहुंचोगे, जब तुम क्या करते हो, अल्काइल हैलाइड को क्या लेते हो, जब तुम अल्काइल हैलाइड को क्या करते हो, एक्सेस में लेते हो। ठीक है,
जब तू भाई एक्सेस में था तभी तो 1 डिग्री के साथ पहले पहले ये 1 डिग्री के साथ रिएक्ट किया, फिर इसने ये प्रोडक्ट बनाया 2 डिग्री, फिर एक्सेस में अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है ना, तो एक्सेस में प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, जो प्रोडक्ट बना वो फिर बाकी के साथ रिएक्ट करके 3 डिग्री बना लेता है, फिर 3 डिग्री और बचे हुए के साथ रिएक्ट करके 4 डिग्री बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिग्री का कन्वर्जन, मतलब प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री इंटू क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, ये तभी होता है जब हम एल्काइल हैलाइड को क्या करते हैं, एक्सेस में लेते हैं, समझ आया। और तब एल्काइलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन, समझ आया क्या बोला मैंने, जब एल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा तभी हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है, क्वार्टनरी तक पहुंचता है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड बचा हुआ है और जो प्रोडक्ट बना है वो बचे हुए अल्काइल हैलाइड के साथ बार बार रिएक्ट करता रहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, समझ आ रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, और किसका कन्वर्जन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री इंटू क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, इंटू क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट टेक्स प्लेस ऑन ट्रीटिंग विथ एक्सेस अल्काइल हैलाइड। मैंने RX से लिख दिया, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन, क्या बोलोगे, एग्जॉस्टिक एल्काइलेशन, ठीक है, एल्काइलेशन। तो क्या होता है ये समझ गए हो। और एक बात तुम्हें और यहाँ पे याद रखनी है कि जो एल्काइलेशन होता है ना, इट गिव मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे भाई तुम्हें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ही तो मिल रहा है, 1 डिग्री भी मिल रहा है, 2 डिग्री भी मिल रहा है, 3 डिग्री भी मिल रहा है, क्वार्टनरी भी मिल रहा है। तो क्या याद रखोगे, फोर्थ पॉइंट, इट गिव मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ से क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, ठीक। तो ये था एल्काइलेशन, समझ लो बहुत अच्छे से। यहाँ पे होता क्या है, एल्काइल ग्रुप को किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड करना, इसी को क्या बोलते हैं एल्काइलेशन। तुम लेते क्या हो, यहाँ पे लेते हो अमाइन, उसको रिएक्ट करते हो अल्काइल हैलाइड के साथ, और ये पूरा प्रोसेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होता है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हट जाता है और उसके जगह दूसरा ग्रुप, ये वाला ग्रुप यहाँ पे आके लग गया, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ है, पहले जब हमने 1 डिग्री लिया था तो 1 डिग्री में सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप होता है, जब वो इसके साथ रिएक्ट करता है तो अपना एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता है और वहां पे उसके जगह पे क्या कर लेता है एल्काइल हैलाइड का एल्काइल ग्रुप अपने साथ जोड़ लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने आप को 2 डिग्री में कन्वर्ट करता है, फिर 2 डिग्री क्या करेगा, बचे हुए एल्काइल हैलाइड के साथ फिर से रिएक्ट करके 3 डिग्री क्वार्टनरी। इस तरीके से एल्काइलेशन का प्रोसेस जो होता है ना, वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देता है। तो ये था हमारा एल्काइलेशन ऑफ अमाइन, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप तुम लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे देन डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एसाइलेशन टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।